तो हमारी इस दुनिया में कुल मिला के 7.8 बिलियन टोटल पॉपुलेशन है ह्यूमंस की, और इस टोटल पॉपुलेशन में 76% जो लोग हैं वो वाइट हैं। वाइट इन द सेंस उनकी जो स्किन टोन है वो वाइट कलर की है, सफ़ेद रंग की है। और 24% जो पॉपुलेशन है वो ब्लैक है, उनकी जो स्किन का कलर है वो ब्लैक है। पर गाइस, क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि हम ह्यूमन बॉडी को कलर किस तरह मिलता है, किस तरह एक बॉडी को ब्लैक कलर या वाइट कलर मिलता है? तो आज के स्टूडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह एक बॉडी को ब्लैक या वाइट कलर मिलता है, कौन सा फैक्टर इसमें इंक्लूड होता है। तो प्लीज यार, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो गाइस, आपको बता दें, हमारे जो ह्यूमन स्किन टोन है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो जेनेटिक, अगर आपके पेरेंट्स का जो स्किन टोन है वो ब्लैक है तो ये ऑब्वियसली बात है कि आपका भी जो स्किन टोन होगा वो ब्लैक ही होगा। और दूसरा फैक्टर है इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट में रहकर आपका जो स्किन टोन है वो चेंज कैसे होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेनेटिक के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट में कि आपका स्किन टोन कैसे चेंज होता है, कैसे वो ब्लैक या वाइट होता है। तो आप लोगों ने ये बहुत बार सुना होगा कि बाहर धूप में काम करने की वजह से हमारा जो स्किन टोन होता है वो काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि किसी एरिया का अगर क्लाइमेट ठंडा है तो वहाँ के जो लोग होंगे वो वाइट होंगे, उनका जो स्किन टोन का कलर होगा वो सफ़ेद होगा। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि जो हमारा स्किन टोन है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा हमारा जो स्किन टोन होगा वो काला होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो हमारा जो स्किन टोन होगा वो सफ़ेद होगा। तो टेम्परेचर की वजह से ही हमारी जो बॉडी का स्किन टोन है वो चेंज होता है। बट गाइस, कैसे चेंज होता है इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो हमारी जो ह्यूमन स्किन होती है उसमें तीन तरह की लेयर होती है, पहली एपिडर्मिस, सेकेंड डर्मिस एंड थर्ड वन इज हाइपोडर्मिस। और एपिडर्मिस लेयर की वजह से ही हमारे जो स्किन टोन का कलर है वो चेंज होता है। एपिडर्मिस में दो तरह के सेल होते हैं, पहला कैरेटिनोसाइट, दूसरा मिलेनोसाइट। जो कैरेटिनोसाइट होता है वो हमारे स्किन के सरफेस को बनाने में मदद करता है, और जो मिलेनोसाइट है वो हमारी स्किन के एपिडर्मिस लेयर में बिल्कुल बेस में पाया जाता है। और इसके जो सेल होते हैं वो स्टार शेप में होते हैं, और ये एक पिगमेंट को रिलीज करते हैं जिसका नाम मेलानिन होता है। और आपको बता दें, जो मेलानिन होता है वो हमारी बॉडी में एज अ प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, जो कि स्किन को बचाता है यूवी रेज से। तो हम लोग जब भी बाहर जाते हैं जो यूवी रेज होती हैं वो हमारे स्किन के ऊपर अटैक करती हैं, और उसी टाइम जो मेलानिन होता है वो हमारे स्किन सेल्स के न्यूक्लियस के साथ जाकर अटैच हो जाता है, और वो 99.9% जो यूवी रेज होती है उनको वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारी स्किन है वो यूवी रेडिएशन से बच जाती है। तो जो लोग बाहर धूप में काम करते हैं उनमें जो मेलानिन होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो यूवी रेज को अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट कर पाए। मेलानिन ज़्यादा होने से उनका जो स्किन टोन होता है वो काला हो जाता है, इसलिए आप लोग अक्सर देखते हो जो अफ्रीकन्स होते हैं वो ज़्यादा ब्लैक होते हैं, क्योंकि जो अफ्रीकन कंट्री का टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और जिन लोगों में मेलानिन कम होता है उनका जो रंग होता है, स्किन टोन होता है वो वाइट होता है। तो इससे तो हमें ये पता चल गया कि मेलानिन की वजह से ही हमारी जो स्किन टोन है उसका रंग चेंज होता है। पर गाइस, क्या आप जानते हैं कि अगर मेलानिन ना हो तो हमारी बॉडी पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो आपको बता दें, अगर मेलानिन ना हो तो यूवी रेज की वजह से हमारी बॉडी पे स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन बर्न जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वैसे ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बहुत कुछ नया सीखने को मिला हो। तो अगर आपको लगता है कि हमने कुछ एफर्ट्स डाले हैं आपको कुछ अच्छा समझाने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर जरूर करें, और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।